और अगर हिंदू दंगा करता है तो सीधा गोली मारो, क्यों? क्योंकि वो हिंदू ही नहीं है। जो किसी की माँ को मार देते हो, किसी के बाप को मार देते हो, उस मासूम का क्या? वो मासूम कल रोड पे आ करके फिर वही बड़ा होगा और वही दंगाई बनेगा। तो आप टेररिज्म फैला रहे हो इस देश के अंदर। जो भी पॉलिटिकल है, मैं उनको यही बोलूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा, अपने अपने स्टेट्स को और अपने अपने जो क्षेत्र लगता है वहाँ पे हिंदू मुसलमान का भाईचारा बनाए रखे। प्लीज, यहाँ पे कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, हम इंसान है। हम पहले इंसानियत को तो समझ ले, फिर हमारे जात धर्म को समझेंगे, ठीक है? तो मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूँगा। और जो मैंने कहा है माननीय श्री मुख्यमंत्री जी को, प्लीज आप इसके ऊपर गौर कीजिए। अगर कल अपना रामनवमी फिर आएगी और रमजान फिर आएगा, फिर वहां दंगे होंगे, तो मेरे हिंदू भाइयों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, मत करो भाई, हम आपके भाई है, आप हमारे भाई हो, हम एक रहेंगे और देश के खिलाफ उड़ते हैं ना हम साथ में। ये साले जो बाजू के देश वाले हमारे देश को खोखला करने की कोशिश करते हैं ना, चलो हम लड़ते हैं बॉर्डर के सैनिकों के साथ, हम भी शहीद हो जाएंगे। और शहीद होंगे कि नहीं होंगे भाई? हमारे देश के हम नहीं होंगे, इस देश को नहीं फोड़ेंगे हम। ये देश हमारा है और हमारा ही रहेगा। आज के बाद जो हिंदू दंगा करेगा और जो मुसलमान दंगा करेगा, अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन नहीं लेगी तो इंशाल्लाह एक इंसान, चाहे वो 12 साल का बच्चा हो या 80 साल का बूढ़ा, वो उसको गोली मारने की क्षमता रखेगा। रखेगा कि नहीं रखेगा? रखेगा। खत्म, दंगा नहीं होना चाहिए भारत। कोरोना की महामारी के बाद आज 1 अप्रैल है, रिजर्व बैंक की स्थापना की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने, तो आप महामारी के बाद में आर्थिक परिस्थिति क्या है देश की, क्या बताएंगे? देखिए, महामारी ने तो सबकी औकात दिखा दी कि कौन कितने बड़े पैसे वाला और कौन कितना भिखारी है। जिसके पास पैसा था वो कुछ नहीं कर पाया, और जो गरीब थे ना वो ये एक रोटी को आधा करके एक दूसरे को खिलाते थे। दूसरी बात, महामारी के बाद थोड़े हालात संभले थे, लेकिन हमारे जो देश के गद्दार है उनके हाथ में माइक जब आ जाता है ना, तो अपने आप को क्या समझते क्या पता नहीं। मेरा आइडियल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और महाराज के अंदर, अगर मैं शिवाजी महाराज के टाइम पे पैदा हुआ रहता था ना, आज उनका सैनिक होता था। सीना ठोक के बोलता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन राम, रहीम, शिवाजी महाराज हमारे देश के जो थे, और ये लोग एक इंसानियत को है ना बचा के चलने वाले लोग थे, लेकिन दंगाइयों ने इनके नाम को यूज करके दंगे के माहौल पे लाके खड़ा कर दिया इस देश को कोरोना के।